दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कृषि दर्शन में हम कृषि और वानिकी से संबंधित जानकारी आपके समक्ष उपलब्ध करवाते हैं। कृषि के लिए सही वातावरण पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है और वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज हम सबके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यावरण में बदलाव का असर ऋतु चक्र पर पड़ता है और ऋतु चक्र का जो प्रभाव है वो हमारे फसल चक्र पर देखने को मिलता है। फसल चक्र के प्रभावित होने से हमारी पैदावार में जो है उसका बुरा असर पड़ता है और कृषि और वानिकी प्रभावित होती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों का होना बहुत जरूरी है। वन संपदा हमारी जितनी अधिक सुरक्षित और संरक्षित रहेगी उतने ही हमारी जो कृषि और वानिकी है वो भी सही तरीके से हो पाएगी। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसमें हम ऐसी परियोजना के विषय में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जो वन वर्धन और कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही है। जी हाँ, जायका एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके माध्यम से हम वन विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में सादर आमंत्रित है भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान नागेश गुलेरिया जी, जो वर्तमान में अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना अधिकारी जायका परियोजना के पद पर कार्यरत है। श्रीमान नागेश पिछले लगभग 3 दशकों से हिमाचल प्रदेश में वन विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। जायका परियोजना के माध्यम से ये जापान तक का जो सफर है वो भी तय कर चुके हैं और इसके साथ साथ वो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में जो स्नो लेपर्ड है उस पर भी इन्होंने अपना शोध किया है। सर, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार जी। आज का हमारा विषय है कि कृषि और वन क्षेत्र में जो जायका परियोजना वो किस प्रकार से कार्य कर सकती है। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जायका परियोजना है क्या और इसका क्या उद्देश्य है। जी, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जी, जो कि विभिन्न देशों में अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट की फंडिंग करती है जी, उसमें से फॉरेस्ट्री भी एक सेक्टर है। बिल्कुल। और भी बहुत से सेक्टर हैं जहां फंडिंग करती है। तो ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको जायका बोलते हैं जी, ये हिमाचल प्रदेश में भी एक प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रही है जी, जिसको हम जायका वानिकी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर 2018 से कार्यरत है जी। और हम पहले 6 जिलों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा जी, उसको भी शामिल किया गया है। तो अब हम 7 जिलों में इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन जो है कर रहे हैं प्रदेश के 7 जिलों में। ठीक है जी। तो इसमें जो बात करते हैं कि ये एक ऐसी एक परियोजना है निश्चित तौर पे जो वन क्षेत्र में वन वर्धन के लिए कार्य कर रही है, तो इसमें जो परिव्यय है, फंड्स है, वो उसका परिव्यय कैसे होता है, इसमें फंड्स का जो जनरेशन है वो कैसे होती है और कैसे इसका जो है खर्च किया जाता है। जी जी। इसमें जो ये परियोजना कुल मिला के 800 करोड़ की परियोजना है जी। इस 800 करोड़ में 640 करोड़ जो कि लगभग 80% है वो हमें हिमाचल प्रदेश सरकार को ग्रांट के तौर पे मिलता है। हालांकि भारत सरकार जो है उसका सॉफ्ट लोन जायका भारत सरकार को देती है, पर भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को ग्रांट के तौर पे 640 करोड़ इसमें से मिलेगा और जो शेष 160 करोड़ के करीब है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी है, GST है, दूसरे ऐसे परिव्यय हैं, आइडेंटिफाइड परिव्यय हैं, तो वो 160 करोड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का उसमें खर्च हो रहा है। बिल्कुल। ये जो परियोजना है इसके मुख्यतः दो उद्देश्य अगर हम बात करें जी, एक क्योंकि वानिकी परियोजना है। हाँ, बिल्कुल। तो वानिकी में उसका जो ग्रीन कवर है प्रदेश का उसको बढ़ाने उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाने की इसमें एक उद्देश्य लेके चल रहा है। हाँ। दूसरा, जब हम वानिकी की बात करते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 90% जो लोग हैं, जो आबादी है जी, वो ग्रामीण परिवेश में रहती है। बिल्कुल जी। और जब ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो वनों से जुड़े हैं जी। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसी कम्युनिटी जिनका वनों के ऊपर सीधा निर्भर करती है, निर्भरता है, उनको भी सपोर्ट के तौर पे जो है
वो उनकी जो आजीविका है उसमें सुधार लाने की बात है, ताकि उनका वनों पे जो निर्भरता है वो कम की जा सके। तो मुख्यतः ये दो उद्देश्यों के साथ, इसके अतिरिक्त जो जो लोगों की कैपेसिटी इम्प्रूव करनी है, स्टाफ की कैपेसिटी इम्प्रूव करनी है, उस विषय में भी इस परियोजना में कार्य किया। सर, आपने सर कहा कि मुख्यतः दो क्षेत्र, एक तो कि हमने वनों का प्रसार करना, वन बढ़ाने, वन क्षेत्र बढ़ाना है ताकि हमारा जो पर्यावरण सुरक्षित रहे और जलवायु जो है नियंत्रित रहे। दूसरा, वनों पर जो निर्भर हमारी जनसंख्या है और मानव संसाधन है उसका भी हित रखना है, हमने उसका ध्यान रखना है। तो प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में, जो आपने 7 जिले बताए, ये जो परियोजनाएं वर्तमान में काम कर रही है और किन किन रूपों में काम कर रही है? जैसे मैंने पहले कहा कि 7 जिलों में हम कार्यरत हैं, तो अगर हम वानिकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 9 जो वन वृत्त हैं और 22 डिवीज़न हैं और 72 रेंजेज हैं जिनमें हम कार्य कर रहे हैं, पर उसमें भी हम 100% एरिया कवर नहीं करते क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। तो हम कुल मिला के पूरे प्रदेश में जो 7 जिले हैं उसमें 460 जो कमेटियां हैं, जिसको हम ग्रामीण वन विकास समिति बोलते हैं, उनके माध्यम से जो है वो काम करेंगे, और जिसमें से अभी 300 प्लस समितियों के साथ हम ऑलरेडी काम करने लगे हैं और बाकियों का आने वाले एक आधे वर्ष में हम 460 पूरी कर लेंगे। तो एक दो तरह की अप्रोच है, कार्य करने का तरीका कैसा इसमें रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह हैं, जैसे पहले ट्रेडिशनल तौर पे किसी भी विभाग का कोई बजट होता है तो उस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल मोड। तो जो टेक्निकली का विषय है, जैसे कोई सॉयल कंजर्वेशन का विषय है, वनों के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका विषय है, या जो स्पीसीज टेक्निकल स्पीसीज जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, दूसरे फॉरेस्ट हैं, उसमें लगाने का विषय है, तो ये कोर टेक्निकल फॉरेस्ट्री विषय है। यहाँ पर जो है वन विभाग के जो कर्मचारी हैं जो टेक्निकली ट्रेंड होते हैं वो इस काम को अंजाम देते हैं जी। लेकिन जैसे साथ साथ मैंने कहा कि हम पहली बार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कम्युनिटीज़ को साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं जी। और कम्युनिटीज़ जो हैं, हम जैसे वानिकी है, अगर वानिकी का विषय है, प्लांटेशन का काम है, कम्युनिटीज़ को दे रहे हैं, कम्युनिटी अपनी च्वाइस की स्पीसीज लगा के उसमें काम कर रही है। बिल्कुल जी। फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि आजीविका सुधार जी, ये भी सारा का सारा जो है कम्युनिटी के माध्यम से हम इसमें काम कर रहे हैं और कम्युनिटीज को सपोर्ट दे रहे हैं। आपने बात करी सर कि आप जो स्थानीय समुदाय है जी, उनके सहयोग से आप जायका परियोजना का क्रियान्वयन उन्हीं क्षेत्रों में कर रहे हैं जी। आय सृजन की इसमें क्या व्यवस्था रहती है आम लोग, ताकि आपके साथ जुड़े और आपकी परियोजना में वनवर्धन और वानिकी के क्षेत्र में आपका सहयोग करें? जो ये प्रोजेक्ट जो है अपनी तरह का एक यूनिक प्रोजेक्ट है, और इसमें पहली बार जो है जो कम्युनिटीज़ की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कर रहे हैं, और जो पैसा है प्रोजेक्ट की तरफ से जी वो हम कम्युनिटीज़ को सीधा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और लोग अपनी समिति के माध्यम से इस पैसे का सदुपयोग फील्ड में कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हम 460 विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज़ के माध्यम से, तो सबसे पहले जो है गांव में जब हम जाते हैं वार्ड स्तर पे, 2-3 गांव जिसमें शामिल हो सकते हैं, जहां पर पौधरोपण का भी स्कोप बना हो और लोगों की जो डिपेंडेंस है वो भी फॉरेस्ट्री पे हो, तो ऐसे गांव सेलेक्ट करके वहां पर जो है हम सबसे पहले वन विकास समिति का गठन करते हैं जी। उसके बाद क्योंकि पैसा उस समिति को जाता है तो उसको हम सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं जी, ताकि उसका जो रख रखाव है, उसका जो अकाउंट्स हैं, उसकी जो बाकी चीज़ें हैं, उसकी प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंश्योर की जा सके, तो वो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करके वो वन विकास समिति जो है सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर हो जाती है जी। उसके बाद जो है जो आजीविका की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल जैसे आपने कहा, तो आजीविका में हरेक विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत तो पहले हम दो दो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल जी। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले से भी कार्यरत हो सकता है जी, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है नया भी क्रिएट हो सकता है, तो पहले हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएं और आपस में जैसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, कि अपनी थोड़ी लोनिंग इंटरलोनिंग करें, बैंकिंग की सुविधा का उनको आभास हो, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें उनको, और हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। हाँ, प्रशिक्षण देते हैं कि ये कैसे आपने मेंटेन करना है। बिल्कुल जी। एक बार जब सस्टेनेबल तौर पर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करना शुरू कर देता है जी, तो फिर हम उनको
फिर ऑप्शन देते हैं कि भाई आप अपनी आजीविका में और सुधार के लिए आप कोई ऐसा आजीविका जो इनकम जनरेशन एक्टिविटी है वो आप आइडेंटिफाई करें और बिल्कुल उसके लिए जो है प्रोजेक्ट की तरफ से हम सपोर्ट दें। जी तो जो ग्रुप आपस में मिल बैठ के चर्चा करते हैं और जो वहाँ के नेचुरल संसाधन है या उनके कोर एरियाज हैं उसके आधार पे जो है वो अपनी एक कोई इनकम जनरेशन एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल जी जब एक बार आइडेंटिफाई हो गई एक्टिविटी तो उसके बाद तीन चीज़ें मुख्यतः होती हैं। जी पहला है कि जो भी इनकम जनरेशन एक्टिविटी आपने करनी है तो उसका आपको प्रशिक्षण होना चाहिए, स्किल होना जी चाहिए। बिल्कुल तो जितना भी स्किल के ऊपर जो खर्चा है और जो एक्सपर्टीज जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ से मुहैया कराई जाती और ये है। निशुल्क है हाँ, निःशुल्क है, फ्री जी। ऑफ कॉस्ट ठीक प्रोजेक्ट की तरफ से। ट्रेनिंग का ठीक जितना भी खर्चा है वो प्रोजेक्ट देता है। बिल्कुल जी उसके बाद जब ट्रेनिंग हो गई तो दूसरी जो इमीडिएट जरूरत पड़ती है वो है मशीनरी, टूल, ये जो चीज़ें पार्ट और हैं, मशीनरी हाँ, जो ठीक है ये इस सारी चीज़ें ताकि उनकी प्रोडक्शन हो सके। बिल्कुल जी तो उसमें हम 50 से लेके 75% तक जो है अनुदान जो है सपोर्ट जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। 25% जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना है जी और 75% तक जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ से सपोर्ट देते हैं। ठीक है तो जी फिर मशीनरी इक्विपमेंट इन प्लेस हो गया। उसके बाद जो इमीडिएट विषय आता है कि प्रोडक्ट बन गया पर मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे और वो होगी एक बहुत उसकी बड़ा विषय है जी। आज ब्रांडिंग मार्केटिंग, और मार्केटिंग ब्रांडिंग का बहुत जमाना बड़ी है। चुनौती मार्केट है में जो भी प्रोडक्ट आता है ब्रांडिंग के साथ आता है तो एक चुनौती है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो इसमें बहुत योगदान दे रही है। हमारे साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ रहे हैं और जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी हम ब्रांड तैयार कर रहे हैं और उसकी जो पैकेजिंग है बड़ी, जो स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग है और जी जो जी मानक सरकार के जो मानक हैं खाद्य सामग्री के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में वो सारे मानक हम मीट विद कर रहे हैं। बिल्कुल और जी उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है और हमारे को बहुत सी सपोर्ट मिल रही है। जैसे हम दूसरी एजेंसीज हैं जी जैसे ही मेरा शॉप्स हैं उनका हम सदुपयोग कर रहे हैं और उसमें हमारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। जैसे जगह जगह जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है सरस मेले लग रहे हैं हाँ बिल्कुल उसमें हम मेले में स्टॉल लगा रहे यानी कि हैं। जो सरकार की तरफ से जो हाँ, मंच भी तो वो ऐसे एक लोगों को हम दिया जा रहा है इस उनको प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी जो बात है वो दूसरे विभागों के साथ बहुत तालमेल बिठाने की बात है कि जी ताकि जिस विषय पे दूसरे विभाग भी कार्य कर रहे हैं तो उसको उसमें साथ में जोड़ा जाए और उसका साथ में काम किया जाए। जी सर आपने 460 ग्राम वन विकास समितियों की जी बात करी और आपने स्वयं सहायता समूहों की बात करी लेकिन अगर हम देखते हैं जो ग्रामीण परिवेश में नवयुवक मंडल बने हैं महिला मंडल बने हैं और महिलाओं की कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हैं जो स्वतः ही काम कर रहे हैं तो क्या आपके साथ जायका परियोजना में काम करने के लिए उनको एक अलग से स्वयं सहायता समूह बनाना पड़ेगा या जो ये पहले से कुछ बने हुए इनके जो ग्रामीण स्तर की दोनों संस्थाएं हैं ऑप्शंस, वो कर सकते दोनों हैं ऑप्शंस हैं। ठीक है जी हम तो प्राथमिकता देते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है और जी अच्छे से फंक्शन कर रहा है जी और वो तैयार है जी टेक ऑफ करने के लिए जैसे इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए, ठीक है जी तो अच्छी बात है, हम उसको रोप इन कर लेते हैं और उसको जायका के साथ जोड़ते हैं। जी देन हम उनको बोलते हैं कि आप अपने जो जिस विषय में आप इनकम जनरेशन करना चाहते हैं उसकी एक बिजनेस प्लान बनाइए। ठीक है तो जी बिजनेस प्लान जो है वो बनाते हैं उसके अनुसार हमको फंडिंग करते हैं तो वो जी हमारे लिए भी इजी टेक हो जाता है। ठीक पर है कुछ जी जगह जो हैं वो जिसको बोलें कि बहुत मैच्योर तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन नहीं कर रहा होता है जी तो वहाँ फिर हम थोड़ा सा और इंटरवीन करते हैं, हमारा जो फील्ड वाले जो स्टाफ है, और देन उसको हम जोड़ते हैं। फिर उनको वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड बनाना, अकाउंट बनाना, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग दे के फिर उनको उस लेवल पे लाते हैं जी ताकि वो अपनी स्वयं की जो इनकम जनरेशन है वो स्टार्ट कर सके। स्टार्ट कर सके ठीक जी है। अक्सर हम देखते हैं कि तकनीकी का जमाना है जी कृषि और वानिकी में आधुनिक तरीके से अगर कोई भी करना चाहे तो उसमें भी टेक्नोलॉजी और पार्ट एंड जी मशीनरी का होना बहुत जरूरी है। जी जायका के माध्यम से किस प्रकार की आधुनिक तकनीक की सहायता आप जो है आम लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र में दे रहे हैं बहुत लार्ज स्केल पे अगर हम कहें तो इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट जो है जिसको हम बोले, वैसे तो ये थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट है जायका का, जी बट जिस ढंग से हम हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, जी उसमें अभी पीछे जब जायका की टीम आई थी उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि ये एट पार विद फोर्थ जनरेशन प्रोजेक्ट जो है ये ऑलरेडी हिमाचल वहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल तो ये हमारे लिए बड़ी एक गर्व की सेटिस्फेक्शन बात है की और बात इसका है। श्रेय आप हाँ जैसे कर्मठ अधिकारियों को भी जाता है जो इस चलो, वो क्षेत्र में एक काम टीम कर प्रयास है, जी वो उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है कार्यरत है तो
सबको इसका जो क्रेडिट है वो जाता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें, आज जैसे मैंने कहा कि हमने गांव आइडेंटिफाई करना है जहां खाली जगह हो, जहां प्लांटेशन करनी है जी, तो हमें फील्ड में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा। हम सैटेलाइट डाटा से अपने यहाँ जो कंप्यूटर हैं उस पर एनालाइज करते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के जंगल हैं, बहुत अच्छा। घने जंगल हैं कि थोड़ा मॉडरेट जंगल है कि थोड़ा ओपन लैंड है, ये सारी चीज़ें जो है हम कंप्यूटर पे बैठ के तय कर लेते हैं जी। फिर उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं। इसी तरीके से बहुत से दूसरे काम हैं, जैसे कहीं सॉयल कंजर्वेशन की ज़रूरत है जी। और अंदर जंगल के अंदर जहाँ एक दिन पैदल जाने में लगे है ना, वहाँ जाके जब पता लगे कि भाई यहाँ पर जो है सॉयल कंजर्वेशन का कोई इशू है जी, उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सैटेलाइट की जो हमारे पास इमेजेज हैं उसके माध्यम से हम यहीं पर जो है कंप्यूटर से देख लेते हैं कि इस एरिया में यहाँ पर जो है ये इस लेवल का सॉइल कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है, तो हम वो वहां से मानक तय कर लेते हैं। जी, तो जो से एक्सपर्ट टीम समय भी बचता है और बहुत समय भी कम लगता है। उसके अलावा हम प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट है जिसने कंट्री के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है जी। हमारी जो ड्रोन की जो इस्तेमाल है बड़े लार्ज स्केल पे हम कर रहे हैं, और हम बेसिक डाटा के प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले क्या पोजीशन थी उसकी सारी की सारी ड्रोन से इमेजिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक बेसलाइन डाटा हो रहा है, और जैसे ही प्रोजेक्ट समाप्ति की ओर आएगा या बीच में किसी ने जानना है जी, तो हम उसकी कंपेरेटिव स्टेटमेंट आपको बड़े आराम से दे सकते हैं। और जो ड्रोन है उसको तो हम इस लेवल पे भी कर रहे हैं कि वो सेंटीमीटर लेवल पे मतलब कि अगर इमेजिंग कर अगर पौधा प्लांटिंग की हुई है तो पौधे को सैटेलाइट से उससे गिन सकते हैं, तो जो रेजुलेशन है हमारा सेंटीमीटर लेवल पे है जी। उसके अलावा बहुत लार्ज स्केल पे जो एडवांटेजेज हैं, जो सॉफ्टवेयर से जिसको महीनों लगते हैं जिस चीज को करने में, वो विद क्लिक ऑफ बटन अब हम करने कर सकते हैं जी। तकनीक का जो लाभ है वो आने वाले समय में जी, हमारे जी, जो जी, जी। आपके साथ जुड़े हुए उद्यमी हैं उनको जरूर मिलेगा। जी, आपने बात करी सर की पौधरोपण की जी। हिमाचल प्रदेश तरह तरह की भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर है और तरह तरह के पौध और पेड़ पौधे और जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक मॉडर्न पौध नर्सरी तैयार करने के लिए जायका जो है किन विकल्पों और किन तकनीक के माध्यम से किन चीज़ों का सहारा लेता है ताकि एक उन्नत किस्म के जो पौधे वो तैयार हो और जलवायु और मृदा की गुणवत्ता के अनुसार ही उस क्षेत्र में वनों के जो पौधे उनका पौधरोपण हो जी। बहुत ही मुख्य कोर प्रश्न जो है वो आ गया जी। जैसे मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वन की के जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाना। निस्संदेह उसके लिए नर्सरी जो है अच्छी क्वालिटी की नर्सरी चाहिए जी। प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर मॉडर्न नर्सरीज तैयार कर रहे हैं, और उसमें जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ग्रीन हाउस है, चाहे टिश्यू कल्चर है, चाहे पानी की व्यवस्था है, स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था है, और भी जो भी जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स उपलब्ध हैं जिसको बोलते हैं रूट ट्रेनर्स का प्रयोग करना या दूसरी चीज़ों का प्रयोग करना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने नर्सरियों में करके दे रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 65 लाख पौधों की क्षमता इनक्रीज की है हिमाचल प्रदेश के अंदर जी। फिर जब विषय हम आता है हमारा कि जैसे आपने कहा कि प्लांटेशन का काम, अच्छी क्वालिटी के जब पौधे तैयार होते हैं तो प्लांटेशन के ऊपर अगर हम आए तो जैसे मैंने कहा कि हम दो तरह से इसकी अप्रोच ले रहे हैं जी। पहला कि जो हमारे कोर फॉरेस्ट हैं, चाहे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, चाहे DPF हैं, चाहे कुछ पार्ट UPF हैं, जहाँ पर जो है हमारा वर्किंग प्लान है और उसके अनुसार जो है कुछ नेचुरल रिजनरेशन आती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ के जो वहाँ की नेचुरल स्पीसीज हैं उसको हम नर्सरी में रेज करके उसको वनों में लगा रहे हैं। ठीक है, वो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको नेचुरल तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस करना था कि और उसमें जरूरत के अनुसार जहाँ पौधरोपण की जरूरत है पौधरोपण कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ तार बाड़ लगाने की आवश्यकता है और खुद कुदरती तौर पर जो है रीजनरेशन आ रही है वहाँ उस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा जो जैसे मैंने कहा कि हम कम्युनिटीज़ के साथ, तो गांव के आसपास 10 हेक्टर एरिया जो है जी, वो कम्युनिटीज़ के लिए दे रहे हैं कि कम्युनिटी उसमें आइडेंटिफाई करे और जो कम्युनिटीज़ के जो जरूरत के पौधे हैं, जैसे गांव में क्या जरूरत होती है, जैसे घास पत्ती के पौधों की आवश्यकता होती है या फ्यूल वुड के पौधों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, तो हम लोगों को वो पौधे दे रहे हैं और उन पौधों को उस जो गांव के आसपास की जो ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई करके
उसमें ग्रामीणों द्वारा ही ये सारा का सारा पैसा हम उनके अकाउंट में डालते हैं, और गांव वाले जो कमेटी है वो स्वयं तय करती है कि हमने कैसे तारवाड़ करनी है, कैसे हमने उसमें पौधरोपण करना है, कौन कौन से पौधे लगाने हैं। पौधे वन विभाग सप्लाई करता है, पर जितना भी जो सारा का सारा काम है वो गांव वाले स्वयं कर रहे हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने कि वन विभाग हो या कोई और संस्थाएं हो, बहुत मेहनत से जो है पौधरोपण करती है, लेकिन एक पौधे को वृक्ष बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और इस दौरान उस पौधे की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जी जी, वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि आग लगने से हमारे जो जंगल है, वन क्षेत्र, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। जी, आग से हम अपने वनों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये सबके लिए एक चुनौती है। जी जी, जी तो जायका जो प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से आपके क्या प्रयास हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और पौधे को सुरक्षित करके एक वृक्ष बनाने में, हमारे दर्शकों को कृपया बिल्कुल। वैसे तो लार्जर विषय है जो फॉरेस्ट फायर है जी, और हर वर्ष लगती है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो मानव भूल से, ह्यूमन एरर की वजह से आग की घटनाएं होती हैं। हाँ जी, बट इस प्रोजेक्ट में हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि आग लगने के क्या कारण है जी। तो जैसे कुछ क्षेत्र हैं हमारे जहाँ चील की पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पर चील पत्तियाँ गिरती हैं, तो उसमें हमने सपोर्ट दे रहे हैं ग्रामीणों को, लगभग 14,000 रुपये हर वर्ष जो है एक विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी को हम अनुदान देते हैं जी। अब उसमें फिर हम ग्रामीणों को बोलते हैं कि भाई देखिए, अगर आपके क्षेत्र में अगर आग नहीं लगती है जी, तो ये जो 14,000 रुपये जो आपको दिया है ये आपका है। हाँ जी, आपकी कमेटी का है जी। आप इसका सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं, अपने किसी और काम के लिए कर सकते हैं जी, बिल्कुल। और अगर आग लगती है तो आप जो गांव के लोग हैं वो उसको बुझाने में लगेंगे, तो उस पैसे को आप वहाँ खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो बड़े अच्छे से रिजल्ट हमारे पास आने लगे हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि अभी हाल ही में आग की बहुत सी घटनाएं हुई जी, और ये विषय आया बहुत हमारे वन विभाग के स्तर पर कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए। हाँ। तो हमारे प्रोजेक्ट में हमने एक हफ्ते के अंदर हमारे स्टाफ ने 300 विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज़ के साथ फायर के बारे में, वनों की आग के बारे में जागरूकता मीटिंगें करी और उनको डिटेल में सारी चीज़ें जो है समझाई। हाँ। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जहाँ जहाँ हमने मीटिंग की वहाँ ग्रामीण जो है मोटिवेट हुए और उन्होंने उसमें आग में जी सर लगने के लिए अपना योगदान। सर, कृषि के साथ साथ हम वनों की सुरक्षा में जायका की भूमिका पर आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, उससे निश्चित तौर पर जो हमारे किसान बागवान है उससे प्रेरित हुए होंगे। हाँ, वन को बचाना, संरक्षित करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब हमारे जंगल और वन सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण भी बचेगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब वनों की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, आज के कृषि दर्शन को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए, आप सभी को नमस्कार।